दोस्तों, अभिनय की दुनिया के सितारे अपने काम को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन इनकी निजी जिंदगी भी कम सुर्खियां नहीं बटोरती। वैसे तो कहा जाता है कि शादी जिंदगी में एक बार होती है, लेकिन कभी कभी जीवन में परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि कुछ लोगों को दो शादियां भी करनी पड़ती है। फिलहाल आज हम बात करेंगे ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने एक ही शख्स से दो बार शादी की। नंबर 1, देबीना और गुरमीत चौधरी। टीवी इंडस्ट्री के जाने माने और लवली कपल देबीना बनर्जी और गुरमीत चौधरी ने की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। रिपोर्ट्स बताती कि गुरमीत चौधरी और देबीना ने साल 2006 में गुपचुप शादी की थी और 2011 में देबीना बनर्जी ने परिवार के सामने गुरमीत से रजिस्टर्ड मैरिज की थी। नंबर 2, प्रिया आहूजा और मालव राजदा। टीवी के लोकप्रिय कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की रिपोर्टर रीटा शर्मा यानी एक्ट्रेस प्रिया आहूजा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। उन्होंने भी एक ही शख्स से दो दो बार शादी की। दरअसल प्रिया आहूजा ने साल 2011 में निर्देशक मालव राजदा से शादी की और फिर शादी के 10 साल पूरे होने पर उन्होंने मालव के साथ दोबारा से शादी रचाई। नंबर 3, कुणाल वर्मा और पूजा बनर्जी। पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा भी टीवी के लोकप्रिय कपल में से एक हैं। दोनों के एक दूसरे से दो बार शादी करने के पीछे कोरोना वजह रहा। दरअसल साल 2020 में कोविड के चलते पूजा और कुणाल ने पहले रजिस्टर मैरिज की और इसके बाद उन्होंने गोवा में जाकर दोबारा से शादी रचाई। नंबर 4, राजीव सेन और चारू असोपा। टीवी अभिनेत्री चारू असोपा और सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन भी टीवी के सबसे चर्चित कपल में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने साल 7 जून 2019 में कोर्ट मैरिज की थी और फिर 16 जून को उन्होंने गोवा में बंगाली और राजस्थानी रीति रिवाज से शादी की। फिलहाल कपल का रिश्ता मौजूदा समय में टूटने की कगार पर है।